गाइज आप लोगों ने मुझे लापिनोज वाली वो स्लाइस की वीडियो बनाई थी, मैंने उसको इतना सारा प्यार दिया, तो आज मैं ना बड़ी एक्साइटेड हूँ उस स्लाइस से लेके। आज मैं दिखाने वाली हूँ इतना बड़ा पिज्जा, मतलब आई एम सुपर एक्साइटेड। बनेगा कैसे इतना बड़ा ओवन, कैसे क्या होने वाला है, अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं इसकी मेकिंग। एंड हमारा पिज्जा बनना स्टार्ट हो गया है। ओ माई गॉड, 1150 ग्राम का ये डो है और इसको देखो, मतलब प्रॉपर ना इसका साइज फिक्स है। ऐसा नहीं है कि अगर आप मंगवाओगे तो वो ज़्यादा छोटा आएगा और किसी का बड़ा होगा, बिल्कुल सेम रहने वाला है। और आपने इसका बेलन का तो इस्तेमाल ही नहीं करा, आपने हाथ से ही कर दिया, हाथ से ही हो जाते हैं। अरे वाह क्या बात है। और अब इस पे लगने वाली है हमारी टॉपिंग। मैं ये सोच रही हूँ जब इतना बड़ा पिज्जा है तो कितनी सारी सॉस लगती होगी, कितनी जाती होगी, 1.5-2 किलो तो सॉस चली जाती होगी। नहीं 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 इतनी नहीं, ये स्पून है, ये 5 से 6 जाती है। अच्छा पूरा मेजरमेंट के हिसाब से बना हुआ है। ओ भाई क्या बात है, एंड ये कितना सही लग रहा है, इट्स लुक लाइक अ गैलेक्सी। अगर जूम इन करके दिखाए रही जाओ, पिज्जा गैलेक्सी, और ये आ गए हमारे स्टार्स। अब ये एक बार इसके अंदर जा गया गाइस। मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो जाने वाला था, लेकिन जब तक मैं बोलने वाली थी तब तक चला गया था, तो मैंने मिक्स कर दिया, जा गया। इतना स्लो पिज्जा, मुझे तो लगा था एकदम से आता होगा, पर भाई साहब पेशेंस का खेल है सारा। और अब हमारी लगने वाली है इसके ऊपर टॉपिंग्स। टोटल 32 वैरायटीज में से बेस्ट 4 चूज करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन आप लोगों को तो पता ही है 7 चीज और पनीर टिक्का बटर मसाला वाला तो मेरा फेवरेट है, तो उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है, तो मैंने वो तो 2 लगवा लिए। बाकी मैंने 2 ऋषभ की चॉइस पे छोड़ दिए, वो भी बेचारा थोड़ा तो शेयर करेगा ही मुझसे। सबसे पहले हमारा जा रहा है चीज़ी 7, और आज वो राज खुलेगा कि हाँ 7 टाइप ऑफ चीज़ जाता भी है या सिर्फ नाम रखा हुआ है। ये हमारे हो गए हैं 2, और इसमें 3 मोंटेरेजा कॉल्वी ऑरेंज, तीनों इसके अंदर मिक्स है, तो 3+1=4 गाइस। 4 चीज़ तो अभी तक आ चुके हैं, लेट्स सी कि क्या ये 7 होने वाला है। यार ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मज़ा आएगा। आप चाहो ना तो इसकी थोड़ी सी रेशियो बढ़ा भी सकते भैया। गाइस थोड़ा सारा कंफ्यूजन हो गया, अब ये हमारी डल रही है 7th चीज़, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड में डाला था वो था, यार दिख रहे हो यहाँ पे, ये वाला है हमारा लिक्विड चीज़। उसके बाद मोजरेला के साथ एक और चीज़ मिक्स था, वो कौन सा था, आप कुछ आइडिया? मोजरेला और किदार। ओके, और उसके बाद जो वो कलरफुल वाला डल है ना, ये ऑरेंज वाला, ये कौन से हैं? 3 इसमें हैं, ऑरेंज, मेंटारोजा, कॉल्वी। यार इतना तो मुझे भी नहीं पता, जो भी है व्हाटएवर। तो अब ये लास्ट में डल गया है 7th चीज़, 7 हमारा बन गया। कितना प्यारा लग रहा है, नज़र उतारा था इसकी। मतलब ये पनीर टिक्का बटर मसाला तो इतना कॉन्फिडेंस दे चुका है मुझे कि कभी भी ऑर्डर, मेरे दोस्त पूछते हैं ना कि यार तू फूड ब्लॉगर है बता क्या खाएं, तेरी पसंद का खाते हैं, तो पिज्ज़ा में तो मैं हमेशा उन लोगों को ये वाला रिकमेंड करती हूँ, बिकॉज आई नो माई फ्रेंड्स उन्हें ये पसंद आने ही वाला है। तो आप लोगों को कौन से पिज्ज़ाज पसंद है, कैसे, चटपटे मसालेदार या फिर माइल्ड ऑरिगेनो और चीज़ वाले, या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी, क्योंकि मैंने सारे फ्लेवर्स इसमें लगवा दिए हैं। इसमें ना 12 लोगों की सर्विंग हो जाती है, और लोगों को लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंगली 4 फ्लेवर्स लगवा सकते हैं, माइल्ड लगवाओ या मसाला लगवाओ या तीखा लगवाओ या इंग्लिश फ्लेवर्स लगवाओ, जो मर्ज़ी। मैंने एक बार कोशिश की थी कि चलो बेस ना लेके रेडीमेड घर पे बनाया जाए, लेकिन वो आखिरी दिन था जब मैंने कुछ ऐसा कोशिश की थी। आई एम नॉट अ परफेक्ट शेफ गाइज, आप लोगों को पसंद है खाना बनाना, क्योंकि मुझे तो खाना खाना और अपने साथ साथ आप लोगों को खाना दिखाना ये ज़्यादा पसंद है। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पाइसी, दिस इज़ बर्न टू हेल। तो एक काम करिएगा, इसमें ना थोड़ा सा ना ज़्यादा डालिएगा स्पाइसी वाला सॉस, और ये वाला सेक्शन तो मैं ऋषभ को ही देने वाली हूँ। ऋषु खाएगा ना ये वाला, तेको पसंद है, तेरे स्पेशली बनवाया है मैंने तेरे लिए। क्यों ना यार, स्पाइसी इतना भी नहीं होने वाला, जब चीज़ आएगा ना क्या टेस्ट आएगा यार, हल्का सा स्पाइसी, हल्का सा चीज़ी। मैंने तो सारे फ्लेवर्स ट्राई करे हुए हैं,
आप लोग वो वाला ऑप्शन भी वैसे चूज कर सकते हो, एक एक स्लाइस मंगवा के ये वाला सेम साइज बनने वाला है। और आप लोगों को कौन सा पिज्जा पसंद है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से। ओए होए ये मेरे फेवरेट मशरूम, यार मैंने 15 दिनों से ना मशरूम टिक्का नहीं खाया, आई वॉज मिसिंग मशरूम्स। तो यहाँ पे वो चीज़ हो जाएगी पूरी। एंड आप देखो पिज्जा कितना कलरफुल लग रहा है, बहुत ही सही यार। मेन तो मैं भूल ही गई थी, मुझे मैं तो इस चीज़ में खो गई थी कि कौन कौन से फ्लेवर्स हैं, ये तो मैं भूल ही गई थी कि अभी तो चीज़ और आने वाला है। ये देखो एंड गाइस प्राइस मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, इस वाले पिज्जा का प्राइस रहने वाला है 1650 रुपीज़, 1650 रुपीज़ का प्राइस रहने वाला है, जिसमें आप मतलब वैसे तो ये लोग 12 की सर्विंग दे रहे हैं कि 12 लोग इसे आराम से खा सकते हैं, पर हमारे इंडियन जो दोस्त हमारे इंडियन लोग हैं ना वो तो 8 लोग निपटा देंगे, मतलब मेरे जो दोस्त हैं वो 8 आराम से खा लेंगे, 12 के लिए तो कम पड़ जाएगा। आप कितने मिनिमम लोग इसे खा सकते हो? ऋषभ तो अकेला खा जाएगा? अकेला सपनों में भी नहीं खा पाऊंगा। कौन इसे अकेला खा सकता है? और ये अब जाने वाला है ओवन के अंदर। देखिए फिर से कछुए की चाल, बट यू नो राइट, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ओए होए गाइस, यार आप फिर बोलते ओए होए बोल रही है, ऐसे नज़ारे को देख के मुंह से ओए होए नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा, मतलब सच में इट्स सो अमेजिंग, लुक एट दिस 7 चीज और पनीर बटर मसाला का जो भी चीज़ था, देखो कैसे मेल्ट हो गया, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। प्लीज़ 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 अवन मशीन जल्दी से निकालिए ना थोड़ा ज़्यादा। ओ भाई साहब, अब ये जब पास आया है ना तो रिएक्शन मतलब पता चल रहा है, तो पता चल रहा है साइज़ क्या, इतना हैवी है। मैं तो इसे 2 दिन में ख़त्म कर पाऊँगी, जो मैंने आपको कमिटमेंट दी थी ना कि 1 दिन में कर लूँगी, मुझे लगता नहीं है कि मैं 1 दिन में कर पाऊँगी। मंगवा तो मैं इसे घर पर भी सकती थी, लेकिन एक तो गरम-गरम पिज्ज़ा मिलेगा वो तो आपको वैसे वहाँ पे भी मिल जाएगा घर पे, लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट डाइन इन ना, पिज्ज़ा तो सेम रहने वाला है लेकिन ये मस्टर्ड सॉस मुझे डाइन इन के लिए खींच के लेकर आती है यार। ये ना सिर्फ आपको यहीं पर मिलेगी, मतलब डाइन इन में मिलेगी, और ये पिज्ज़ा के साथ, बहुत लोगों को केचप पसंद है, मुझे ये मस्टर्ड सॉस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसी के लिए यहाँ पर आ गई खींची खींची। बहुत सही टेस्ट लगता है इसका पिज्ज़ा के साथ। जल्दी से ना थोड़ा सा ओरिगैनो की सीजनिंग डालते हैं और फिर अपना शुरू करते हैं। ये देखिए बारिश ओरिगैनो की। आप सबसे पहले आप लोगों को तो पता है मैं कौन सा खाने वाली हूँ। यस दिस चीजी पिज्जा, और ये देखो इतना सारा चीज, दिस इज मॉन्स्टर पिज्जा, और इसने अपने आप को जस्टिफाई कर दिया है, कोई मॉन्स्टर ही इसे अकेला खा सकता है एक बारी में। आई एम स्पीचलेस, इतना चीज़ी, गर्मा गर्म, इतने सारे फ्लेवर्स एक साथ, मतलब लाइफ में और क्या चाहिए, जस्ट अ गुड एनवायरनमेंट एंड गुड पिज्ज़ा, दैट्स इट। अभी ना दूसरा ट्राई करते हैं, ये वाला हमारा है फार्म विला, ठीक है, और ये देखो सब सेम है यार, इसका बेस बहुत अमेजिंग है यार। सूरत वालों क्या कर रहे हो, जल्दी से आ जाओ, महक आइकन यहाँ पे आपको मिलने वाला है गर्मा गर्म फ्रेश बेस, और एनवायरनमेंट देख लो आप लोग, बहुत सही इंटीरियर बना रखा है, नाइस म्यूजिक, गुड फूड, गुड सर्विस, गुड स्टाफ, व्हाट एल्स। ये है हमारा पनीर टिक्का जी बटर मसाला पंजाबी दा फ्लेवर। अभी तक मैंने जितने पिज्जाज खाए उसमें वो इंडियन देसी तड़का वाला फ्लेवर इसी में मुझे लगा सबसे ज़्यादा। अब ये है हमारे तीखे चटपटे और स्पाइसी, जिन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है वो उनके लिए। और ये दिखने में थोड़ा वो नहीं लग रहा, डेवलिश दिखने में ही लग रहा है। बर्न टू हेल वाला एक बार एक बाइट लेते हैं, तो ये यार अपने आप को मतलब बर्न टू हेल नाम को जस्टिफाई कर रहा है, दिस इज अमेजिंग, एक बाइट इसके साथ। और आज हम लोग हैं लापिनोज में, बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट पिज्ज़ाज जो मुझे लगते हैं,
और अगर आप सूरत रहते हो ना तो यू मस्ट विजिट महक आइकन सुमल डेरी रोड पे जो लापिनोज वाले हैं अमेजिंग. जल्दी से अपने दोस्तों को टैग कर दो इस वीडियो में, स्पेशली उनको करना जिन्हें पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है. और आपको तो पता है दोस्त असली वही होता है जो अपने दोस्तों को चिढ़ाता है और परेशान करता है, तो जल्दी से उन दोस्तों को टैग कर दो पिज्जा लवर्स को और उन्हें क्रेविंग दिलवा दो पिज्जा की. और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात तो बताना भूल ही गई, हमारी मेन चीज जो कि वेडनेसडे और फ्राइडे को ना यहाँ पे एक ऑफर चलता है जिसमें आप अगर मीडियम मंगवाओगे तो उसके साथ वन प्लस आपको फ्री मिलेगा और लार्ज मंगवाओगे तो उसके साथ भी आपको एक और फ्री मिलेगा. मतलब एक प्राइस पे आपको दो पिज्जा. माई बैड लक कि मैं आज मंडे को आई हूँ, लेकिन आप लोग वेडनेसडे और फ्राइडे को तो बिल्कुल मत भूलना ऑर्डर करना.